अब से कुछ ही दिनों में नवंबर महीने की शुरुआत होने वाली है और नवंबर का महीना अपने साथ कई बड़े बदलाव भी लेकर आने वाला है। इसका सीधा असर आपके जेब पर भी पड़ सकता है। इनमें एलपीजी गैस के दाम, क्रेडिट कार्ड के नियम, बैंक हॉलीडे लिस्ट के नियमों में बदलाव शामिल है। ये बदलाव नवंबर की पहली तारीख से लागू होंगे। ऐसे में आपको बताते हैं वो कौन से पांच बड़े बदलाव हैं। एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के दामों में बदलाव। 1 नवंबर से हो रहे बदलाव में पहला बदलाव है एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के दाम। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है और नए रेट्स जारी करती है। पिछले महीने के 1 अक्टूबर को दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 48.5 रुपए महंगा हुआ था। पिछले 3 महीनों से कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है। ऐसे में लोग इस उम्मीद में हैं कि इस बार 14 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर कुछ सस्ता हो जाए। कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत जुलाई में कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार 3 महीने से इसमें बढ़ोतरी हो रही है। इस दौरान एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ है। सीएनजी पीएनजी की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दामों में बदलाव करने के साथ साथ सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बदलाव करती है। पिछले कुछ महीनों में सीएनजी पीएनजी के दामों में किसी तरह का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार इनकी कीमतों में बदलाव हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के क्रेडिट कार्ड के नियमों में होने वाले बदलाव है। दरअसल 1 नवंबर से अनसिक्योर्ड SBI क्रेडिट कार्ड पर फाइनेंस चार्ज 3.75% होगा। वहीं बिजली, पानी, एलपीजी गैस समेत अन्य यूटिलिटी सर्विसेज में 50,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करने पर 1% का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। बैंकों में पब्लिक हॉलीडे की लिस्ट। नवंबर महीनों में बैंकों में कुल 13 दिन की छुट्टियां रहने वाली है। फेस्टिवल, पब्लिक हॉलीडे, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए RBI ने नवंबर के लिए बैंक हॉलीडेज की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि बैंकों की ऑनलाइन सर्विसेज इस दौरान चालू रहेगी। बैंकों में चल रही छुट्टियों के दौरान अगर कोई जरूरी काम हो तो आप बैंकों की ऑनलाइन सर्विसेज की मदद लेकर अपने ट्रांजेक्शन को निपटा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के नियम में बदलाव। 1 नवंबर से म्यूचुअल फंड के नियम में भी बदलाव होने वाले हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने इनसाइडर के नियमों को सख्त करने की कोशिश की है। जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके मुताबिक एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी AMCs के नॉमिनी या फिर उनके रिश्तेदारों को 15 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन की जानकारी देनी अनिवार्य होगी। TRAI के नियमों में बदलाव। 1 नवंबर से ट्राई के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL यूजर्स पर पड़ने वाला है। ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को 1 नवंबर से मैसेज ट्रेसिबिलिटी लागू करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मैसेज ट्रेसिबिलिटी के लागू होते ही आपके फोन पर आने वाले सभी मैसेज पर निगरानी तेज हो जाएगी। ये सभी तरह के फर्जी कॉल और मैसेज को रोकने का नया सिस्टम होगा। इससे फ्रॉड की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि इसके भी कुछ नुकसान हैं। इस नियम के लागू होने के बाद OTP मिलने में देरी हो सकती है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी ऑनलाइन पेमेंट्स में हो सकती है।